जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। अभी एक नई खबर निकल के सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि 2492 पदों पे भर्ती ली जाएंगी। और इस खबर का पूरा आपको सोर्स भी दिखाऊंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग खुद भी जा करके देख सकते हैं और डिटेल्स इस खबर में जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि हमारे संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। CGPSC, CG पुलिस और ग्रुप डी SSC रेलवे की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। तो जो लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए छत्तीसगढ़ वैभव की वेबसाइट है और यहाँ पे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ गृह राजस्व और खाद्य विभाग में खुला नौकरियों का पिटारा होगी 2492 पदों पर भर्तियाँ। और यहाँ पर आप लोग डेट देख पाएंगे, 7 सितंबर की डेट है और इस पोस्ट में ऐसा लिखा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गृह मतलब कि पुलिस विभाग, राजस्व तथा खाद्य विभाग के विभिन्न पदों के भर्ती के लिए निर्देश दिए हैं अधिकारियों को और विभिन्न पदों पर भर्तियां ली जाएंगी। और दोस्तों यही बता दूं कि इन जो विभाग है, तीन विभाग के अतिरिक्त जो अन्य विभाग है वहां पर भी जो खाली पद रिक्त पद हैं उनके लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है, उन पदों को भी जल्द से जल्द भरा जाएगा। तो आगे अगर मैं बात करूं कि 2492 में कौन कौन से पद होने वाले हैं, तो यहाँ पर जो पहला पद है बस्तर फाइटर्स में, यहाँ पे 2100 पद लिखा गया है, जहाँ लोगों की उम्मीद थी कि 2800 पदों पे बस्तर फाइटर्स की भर्ती ली जाएगी, तो यहाँ पे 2100 पदों की अनुमति दी गई है ऐसा बताया जा रहा है इस वेबसाइट के अनुसार। दूसरा राजस्व विभाग के अंतर्गत जहाँ पे 804 पटवारी की खबर निकल के सामने आ रही थी कि 804 पदों पर पटवारी की भर्ती ली जाएगी, तो यहाँ पे 301 पद हैं पटवारी के लिए, मैदानी एरिया में 301 पदों पर भर्ती ली जाएगी। और खाद्य विभाग में 84 खाद्य निरीक्षक मतलब फूड इंस्पेक्टर सहित 91 पदों पे भर्तियां ली जाएगी और इसके लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। तो अगर 2100 पद बस्तर फाइटर्स के जोड़े, 301 पद पटवारी के जोड़े और 91 पद खाद्य विभाग के जोड़े, कुल 2492 पदों पे भर्तियां ली जाएंगी। और ये जो पोस्ट है 7 सितंबर का है, छत्तीसगढ़ वैभव वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को इस वेबसाइट को चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। इस वेबसाइट में एक आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, उसको पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आई। इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को आह्वान किया है कि वो इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करें, क्योंकि जो भर्ती आने वाली है और मुख्यमंत्री युवाओं से कह रहे हैं कि अच्छी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करें। लेकिन इस वेबसाइट को, छत्तीसगढ़ वैभव को और शायद मुख्यमंत्री जी को भी ये पता नहीं है कि जो युवा अभ्यर्थी हैं वो 2018 से अच्छी मेहनत और लगन से तैयारी कर रहे हैं SI भर्ती के लिए, वो अभी तक कम्प्लीट नहीं कराई गई है। इससे पहले ACF के लिए भी फॉर्म लिए गए थे तो एक साल पहले, उसके लिए भी अभ्यर्थी अच्छी मेहनत और लगन से तैयारी कर रहे हैं, उसकी भर्ती नहीं कराई गई है। असिस्टेंट ग्रेड 3 छत्तीसगढ़ विधानसभा और सहायक मार्शल, वो भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में फॉर्म ले लिए गए हैं, अच्छी मेहनत और लगन से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी भर्ती नहीं ली गई है। अब आने वाली भर्तियों के लिए निर्देश दिए गए हैं और दो चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ में, उससे छत्तीसगढ़ के युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो ये है कि जल्द ही भर्ती चालू की जाएगी और निर्देश दे दिए गए हैं। जो हमारे गृह मंत्री तामदोस साहू जी हैं वो पिछले एक साल से SI की भर्ती चालू करा रहे हैं लेकिन वो चालू नहीं करा पा रहे हैं, जल्द ही चालू की जाएगी, जल्द ही चालू की जाएगी और जल्द अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए निर्देश दिए थे कि SI भर्ती और जो पुलिस विभाग की जो भर्तियाँ हैं उसके लिए तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं, तो अभी तक तेज़ी भी नहीं आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री निर्देश तो लगातार दे रहे हैं लेकिन अधिकारी जो गण हैं जिनको ये भर्तियाँ लेनी हैं, शायद वो अधिकारी गण ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण पिछले 2 साल से 3 साल से छत्तीसगढ़ में गृह विभाग में पुलिस डिपार्टमेंट की कोई भी जॉब नहीं आ पाई है और बहुत सारे ऐसे विभाग पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहाँ पर भर्तियों के लिए फॉर्म ले लिए गए हैं लेकिन भर्ती कंडक्ट नहीं कराई जा रही है। तो होप सो ये जो निर्देश दिए गए हैं इसका पालन होगा और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में इस माह के अंत में अक्टूबर से ही भर्तियां लेना स्टार्ट होगा। व्यापम के द्वारा भी भर्तियां ली जानी चाहिए और जो अन्य विभाग हैं वहाँ जो पुलिस विभाग है उसकी भर्तियां जल्द से जल्द चालू होनी चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।